हरिओम नमः शिवाय। वास्तु शास्त्र में वॉल क्लॉक का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि क्लॉक जो है वो हमें समय बताती है, और समय ही सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने जीवन में किस तरह समय की वैल्यू को समझ सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के हर काम को हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो वॉल क्लॉक है वो कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए? जनरली लोग किसी भी डायरेक्शन में वॉल क्लॉक को लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपकी वॉल क्लॉक है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, इवन आप वेस्ट डायरेक्शन में भी वॉल क्लॉक को लगा सकते हैं। पर ध्यान रहे, कभी भी साउथ यानी दक्षिण दिशा में वॉल क्लॉक को नहीं लगाना चाहिए। क्लॉक जो है वो बहुत ही क्लियर उसके जो है वर्ड्स दिखने चाहिए। लोग अलग अलग तरह की क्लॉक लगाते हैं जिसमें कि अक्षर या तो स्किप होते हैं, जो नंबर्स होते हैं स्किप होते हैं, या फिर वो क्लियर नहीं दिखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डोर्स और विंडोज के ऊपर कभी भी वॉल क्लॉक को प्लेस नहीं करना चाहिए। आप सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अगर क्लॉक प्लेस करते हैं तो वो आपको जीवन का सही समय बताती है और सही तरह से आपके जीवन को आगे लेके जाती है।